ऑपरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। अब तक हम अपनी टाइपस्क्रिप्ट क्लास के अंदर काफी सारी चीजों को कवर अप कर चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ऑपरेटर्स। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑलरेडी यहाँ पर कवर अप करके रखे हैं, तो अगर आपने इन दोनों वीडियोज को चेकआउट नहीं किया तो सबसे पहले इन दोनों वीडियोज को लाजमी चेकआउट कीजिए ताकि आपके पास इन दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो। इसके साथ साथ हमारे बाकी जितने भी लेक्चर्स थे उनको हमने कवर अप कर रखा है। आज की वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप के अदर अर्थमैटिक ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ मॉड्यूल्स पे बात करेंगे एंड यहाँ पर हम साथ में देखेंगे कुछ और चीजें जिनको यूटिलाइज किया जाता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली अगर हम टाइपस्क्रिप्ट मास्टर कोर्स की बात करें तो स्लाइड नंबर 104 से लेके स्लाइड नंबर 137 तक आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, साथ में मल्टीप्लीकेशन, डिविजन को चेकआउट करेंगे और इसके अलावा हम अपने एक्सपोनेंट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी की सारी स्लाइड्स जो है हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को कवर करते हैं, जिसके लिए हम जो है वो अपने बेसिक कोड को टाइप करते हैं। तो मैं सिंपल हेडिंग देती हूँ बेसिक कोड के नाम से। हम यहाँ पर एक लेट का वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं एक अदद नंबर जो है वो डिफाइन करती हूँ। तो नंबर 1 के नाम से मैं एक अदद नंबर को डिफाइन करती हूँ। आपको पता है नंबर है तो डेटा टाइप बतानी पड़ेगी इसकी हमें कि नंबर होगी और आप जिस भी चीज के इक्वल इसको लिखना चाहें आप उसको इक्वलाइट कर सकते हैं। तो हमने एक नंबर 1 डिक्लेयर किया जो कि हमारे पास 2 के इक्वल है। अब मैं एक और नंबर डिक्लेयर करती हूँ, उसको हम नंबर 2 डिक्लेयर करते हैं, इसकी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पर बताते हैं इसको इसकी असाइन वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पर 3। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पर कंसीडर आउट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं जैसे कि मैं लेट के नाम से एक वेरिएबल लेती हूँ और इसमें मैं लिख देती हूँ फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट के नाम का मैंने जो है एक अदद यहाँ पर कंसीडर कर लिया पैरामीटर। अब जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो भी किस में होगा, नंबर की डेटा टाइप में होगा, क्योंकि दोनों चीजें ऑलरेडी हमारे पास नंबर की डेटा टाइप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 1 को सबसे पहले कॉल्ड आउट करेंगे। नंबर 1 के फंक्शन को यहाँ पर अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर दूंगी जो कि प्लस का होगा एंड साथ में हम जो है वो दूसरे नंबर को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। इन दोनों चीजों को कंसीडर करने के बाद हम कंसोल डॉट डॉट के अंदर इसको प्रिंट कराएंगे और आपको पता है कि हम क्या चीज फाइनल आउटपुट को यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो सिंपल हमारा एक अदद प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फाइल में जाके सेव करते हैं, यहाँ से टर्मिनल में जाते हैं। न्यू टर्मिनल में आने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आप सीएनडी के अंदर होकर किसी किस्म की कोई चीज रखी है तो उसे क्लियर कर दीजिए। देन आप यहाँ से tsc main.ts कीजिए एंड हम यहाँ से सैंपल नोड main.js करेंगे ताकि हम इसका आउटपुट चेक कर सकें। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हमारा जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने एडिशन के फॉर्म में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया वो वर्किंग कर रहा है। सो यू कैन इजीली सी कि हमारे पास इसके आउटपुट 5 के फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर एक एडिशन का पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का पैरामीटर दूँ एंड यहाँ पर हम 12 दे दें एंड यहाँ पर मैं इसको नंबर 2 को 6 के अंदर काउंटेबल कर लेती हूँ, तो हम यहाँ से इसे सेव करते हैं। अगेन मैं यहाँ से नोट मेन डॉट js करती हूँ। तो अच्छा, मुझे सबसे पहले यहाँ पे टीएससी करना चाहिए ताकि हमारा पुराना वाला आउटपुट जो है वो कंसीडर आउट हो एंड देन मैंने यहाँ पे सैंपल नोड मेन डॉट जेएस किया। तो नाउ यू कैन इंक्लूड सी 12 डिवाइड बाय 6 का आंसर हमारे पास माइनस का आंसर हमारे पास 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी सब्सट्रैक्शन भी चेक आउट कर ली। हम यहाँ पर एक क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं 2 6 का मल्टीप्लीकेशन चेक करती हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को कंडक्ट आउट करती हूँ, उस प्रोग्राम को गेन से करते हैं, अगेन हम टीएससी करते हैं एंड इसके आउटपुट को चेक आउट करते हैं। मैं आपको फर्दर एग्जांपल भी देकर बताऊंगी यहाँ पर कि अगर आपने दो नंबर्स किसी और तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिक्लेयर किए हो। तो जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे नोट मेन डॉट जीएस देती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 12 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। 2 6 12 होता है तो 12 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर हम इन केस क्या करें, पहले काम करते हैं डिविजन चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रोग्राम की डिविजन चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको मल्टीप्ल में एक और जो है वो अच्छी सी चीज कर दिखाती हूँ कि अगर हमें दो अलग अलग पैरामीटर्स यानी कि अगर नंबर नहीं हो, मैं कोई और चीज यहाँ पर डिक्लेयर करूँ उसमें अगर मैं करना चाहूँ तो मल्टीप्ल
फंक्शनों कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया है 2 को 6 से, लेकिन जो है क्या कहते हैं, इसने पूरा आंसर डेसिमल में प्रोवाइड आउट कर दिया। लेकिन मैं सिंपल आपको सिर्फ दिखा रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको डेसिमल में जाने दिया। अगर आप चाहें तो आप इसको फिक्स कंपोनेंट में भी रख सकते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अगर हमें नंबर्स नहीं रखने, मुझे नंबर्स की जगह जो है वो कोई और चीज रखनी है। मिसाल के तौर पे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर नंबर 1 की जगह जो है वो डिक्लेयर कर देती हूँ, एक एग्जांपल बैग्स की। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बैग्स को कंसीडर किया। नंबर 2 की जगह मैंने यहाँ पर एप्पल्स को कंसीडर कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फाइनल आउटपुट में मैं कहती हूँ कि बैग्स जो है मेरे वो मल्टीप्लाई किए जाए एप्पल से। ठीक है, इसका बताने का बेसिक मकसद क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम नंबर ही सब यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स में पुट आउट करें। अगर हम कोई और चीज की मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेमली इसका आउटपुट चेक करते हैं, आपको आउटपुट दिखाते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर सकते हो एंड देन अपने आउटपुट को चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो कि 2 से 12 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 12 जो है वो हमारा फाइनल आउटपुट डिक्लेयर हो गया है। आप इस तरीके से जितनी चीजों को चाहो उनको चेंज आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कोड था। मैं इसके आगे जो है वो ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ कि हमने कौन कौन से फंक्शन उसके अंदर जो है वो क्लियर आउट किए हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी किस्म की परेशानी ना। तो ये वो 4 फंक्शन थे जो कि हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं इस प्रोग्राम में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रोग्राम को डायरेक्टली कॉमेंट करते हैं। कॉमेंट करने के बाद अब मैं आपको एक और ऑपरेटर बता रही हूँ जो कि कहलाता है एक्सपोनेंट का हमारे पास ऑपरेटर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का हम जो है वो एक और ऑपरेटर बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ न्यू टास्क कर देती हूँ। ठीक है, न्यू टास्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के अलावा अगर हम कुछ और कंसीडर कर रहे हो तो हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, एक्सपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी तो हमने बैक वाली एग्जाम्पल ली है, उसी को दोबारा से लेते हैं। मैं अगेन एक लेट का वेरिएबल लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, मैं यहाँ पे बैग्स को दोबारा से कॉल कर लेती हूँ। बैग्स क्या होंगे, मेरे पास नंबर के फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि हम जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म आउट करेंगे तो वो हमेशा नंबर्स के फॉर्मेट में होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, एंड हमने एप्पल को कॉल किया था, तो मैं अगेन एप्पल को कॉल करती हूँ। एप्पल अगेन नंबर की कैटेगरी में होंगे एंड यहाँ पर हम इन दोनों को एक जैसे फॉर्मेट में रखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गई थी, एक्सपोनेंट का मतलब होता है डबल मल्टीप्लिकेशन। क्या चीज होती है इसका मतलब, इसका मतलब होता है डबल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे मैं भी 6 और 2 कर रही थी तो क्या होना चाहिए था, मेरे पास 12 होना चाहिए था। मैं इसका डबल करूंगी तो हम वहां पर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का यूटिलाइज करेंगे। वो हम किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पर एक और लेट लेती हूँ एंड अभी हमने जो है यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल एप्पल इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। आप लोगों को टोटल एप्पल भी दिया गया है, तो हम टोटल एप्पल्स में इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। टोटल एप्पल्स होंगे, ये भी हमारे पास नंबर में होंगे। अब ये किस चीज के बराबर होगा, ये मेरे पास होगा यहाँ पर बैग्स डबल एक्सपोनेंट एप्पल। ठीक है, जब मैं बैग्स डबल एक्सपोनेंट एप्पल्स करूंगी या मैं बैग डबल एक्सपोनेंट 2 कर, ठीक है, हम इसको ट्वाइस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इसका आंसर मेरे पास 25। 5 5 से कितना होता है, 25 होता है। मैं आपको तो कॉल नहीं करते, हम सिर्फ जो है इस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, सिंपली कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट आउट करा देती हूँ टोटल एप्पल्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका आंसर जो है वो चेकआउट करते हैं, बाद में जाते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल TSC करते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए एंड देन मैं यहाँ पर सिंपल नोड मेन डॉट जीएस करती हूँ। अच्छा जी, मैंने 2 मरतबा लिख दिया था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे नोड मेन डॉट जीएस एंड यू कैन इजीली सी के 5 5 25, तो इनके बाद जो है वो इसका ट्वाइस हो जाए। अच्छा, इन केस अगर मैं यहाँ पे एप्पल से, ठीक है, इन केस अगर आप एप्पल लिखे तब हमारे पास क्या आंसर आता है, लेट्स सी। ठीक है, तो आपको ताकि पता हो कि अगर हमने इस तरीके से भी फोकसिंग करनी है तो उसमें हमारे पास किस चीज की यूटिलाइजेशन कंपाइल करती है। तो आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3125। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि 3125 क्यों हुआ, क्योंकि इसको 5 टाइम एक्सपोनेंट कर दिया। ठीक है, सो जस्ट फिक्स एंड फोकस ऑन दैट। तो खैर, बताने की बात ये थी कि हम इस तरीके से एक्सपोनेंट्स की यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो
यहाँ पर टॉपिक होगा वो कहलाता है मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली, वो बेसिकली आपके पास कहलाते हैं यहाँ पर एक्चुअली हम सब कहते हैं मॉड्यूलर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है परसेंटेज का फैक्टर होता है। समटाइम क्या होता है कि जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीजें कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर मुझे परसेंटेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप मॉड्यूल यहाँ पर मॉड्यूल्स कीजिए या फिर इसको आप परसेंटेज भी कह सकते हैं। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि मुझे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोग्राम के लिए। तो अगर मुझे उसी तरीके का प्रोग्राम कंसीडर करना हो तो मैं किस तरीके से प्रोग्राम को कंसीडर करती हूँ। अगेन हम लाइफ में जाते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। मैंने एप्पल को क्रिएट किया, इस बार मैं इसकी डेटा टाइप बता ही देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमें क्योंकि आदत है ऑलरेडी डेटा टाइप बताने की, तो हम डेटा टाइप बता देते हैं। ठीक है, मैंने इस बार एप्पल्स को पहले कंसीडर किया, बैंक को बाद में कंसीडर किया, अगेन इसकी डेटा टाइप बताई और मैंने यहाँ पर इसको कंसीडर आउट कर दिया। इसके बाद मैंने लाइट का एक और फंक्शन लिया, इसमें रिमाइंडर के नाम का एक फंक्शन कॉल्ड आउट किया और मैंने कहा कि एप्पल जो है मेरे परसेंटेज पे होने चाहिए बैग्स के। ठीक है, एप्पल क्या होने चाहिए मेरे बैग्स के परसेंटेज पर होने चाहिए। और कंसोल लॉग के अंदर मैं क्या करूंगी, सिंपल प्रिंट आउट करवा दूंगी अपने रिमाइंडर को। तो बेसिकली मैंने 5/2 किया तो आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, हम पहले एक इस तरीके की एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन हम एक ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर अगर दोनों चीजें एक दूसरे से डिवाइड होती है तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल नोटमेंट और जेएस करूंगी तो इसका आंसर बनाएगा। अच्छा, इन केस अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूँ एंड यहाँ पे हम 3 करते हैं एंड देन मैं इसकी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करूँ तो कितनी परसेंटेज उसकी डिक्लेयर आएगी। चाहिए अगेन डेसिमल में आएगी क्योंकि मैंने डेसिमल के फॉर्मेट्स को जो है वो चेंज यहाँ पर नहीं किया हुआ, और आपको सिंपल बताना है तो यू कैन सी कि यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, 0 में आ रहा है। मेरा आंसर भी 0 में क्यों आ रहा है परसेंटेज निकालने पे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि परसेंटेज के लिए हम मॉड्यूलस को यहाँ पर यूज करते हैं। अगेन इसको 5/2 कर देते हैं ताकि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं। मैं वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ जो आप लोगों को यहाँ पर आपकी टीचर की तरफ से बताई गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है, इसके बाद हमारे पास अगली चीज होती है यहाँ पर जो कि कहलाती है कंबाइन ऑपरेटर्स। अब कंबाइन ऑपरेटर्स में क्या होता है, कंबाइन ऑपरेटर्स में मैं एक वक्त में दो से या दो से ज्यादा को ऑपरेटर्स को यूज कर सकती हूँ। यूज मोर देन टू ऑपरेटर्स एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम में दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स की यूटिलाइजेशन कंबाइंड ऑपरेटर के अंदर कंसीडर कर सकती हूँ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक रिजल्ट की एग्जांपल लेती हूँ जो कि आप लोगों को दी गई है। तो हमने कहा कि लेट रिजल्ट, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट किस चीज के बराबर हो, रिजल्ट मेरे पास बराबर होना चाहिए 3+4, 3+4 × 5। ठीक है, मेरे पास रिजल्ट इस चीज के बराबर होना चाहिए और कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करो, प्रिंट करा दो मेरे रिजल्ट को। ठीक है, सिंपली हम जो है वो इसको चेकआउट करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, मेरे पास आंसर होना चाहिए 35। बढ़िया, ठीक है, तो हम सेव करते हैं। सेव के बाद हम सिंपल सीएलएस करते हैं ताकि आपको आसानी से आ जाए। देन हम टीएससी करते हैं एंड यहाँ पर हम नोड main.js करते हैं। सो नाउ यू कैन इजीली सी कि 23 विल बी माय आंसर ओवर हियर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर इसने मुझे क्या दिया, आंसर इसने मुझे दे दिया यहाँ पर 23। तो लेकिन अगर हम देखें तो 23 इसका आंसर नहीं आना चाहिए, इसका आंसर 35 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसने मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर गलत डिक्लेयर की है। मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, उस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इस फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कंपाइल कराते हैं, सेव करते हैं, अगेन यहाँ पर टीएससी करके देखते हैं, या तो इसका मैथ खराब है या तो फिर हमारा ही मैथ खराब है। सो खैर, इसको चेकआउट करते हैं, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 35। तो मैं आपको बस यही चीज बताना चाहती थी दोनों के डिफरेंशिएट में कि आपने इस तरीके से दो फंक्शंस को यूज करना है, यानी कि जो आपका पहला फंक्शन होगा वो आपने ब्रैकेट में यूज करना है, जो दूसरा फंक्शन होगा उसको आपने ब्रैकेट के बाहर यूटिलाइज करना है। अब आप देखो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास कितना, 35। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसको कंसीडर आउट किया, 23 क्यों आंसर आया। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती फिर भी उस केस में इसका आंसर 23 क्यों आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बताइए। तो यहाँ पर हमने अपनी स्लाइड नंबर 104 से लेके स्लाइड नंबर
137 तक कवर अप कर ली है अपने टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आपके जितने भी यहाँ पर फाइनल आउटपुट के प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम के लिए टाइप स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को फॉलो अप कीजिए, मैं कम्प्लीटली सॉल्व कराऊंगी ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट्स एंड एवरी प्रोजेक्ट। समीक्षा कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।